बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, और लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, थर्ड सेमेस्टर पैथोलॉजी, ठीक है, गजाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था एंटीकोगुलेंट्स के बारे में और एंटीकोगुलेशन के बारे में, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स क्या है? ये हमारे पास केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास ब्लड जो है ना वो फ्री फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे और क्लॉटेड से जो ना क्लॉट होने से बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एंटीकोगुलेशन। तो एंटीकोगुलेशन हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, डीफ्लोरिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और यूं हमारे पास जो है ना ब्लड फ्री फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो आज उसी एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वो एंटीकोगुलेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है केमिकल एंटीकोगुलेंट्स। ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा क्या करते हैं कि मतलब ये कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट्स हैं। ये कैल्शियम के साथ जो है ना बाइंड होता है, ठीक है, और उसको रिमूव करता है और यू हमारे पास ब्लड जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास जो है ना दो तरह का काम कर सकता है। एक तो हमारे बोन्स को जो है ना स्ट्रेंथ देते हैं, और सेकेंडली ये ब्लड के अंदर जो है ना एज अ क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ब्लड को जाया होने से बचाता है और उस चेन के अंदर जो है ना हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये एक चेन होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, ब्लड के अंदर, और जब बॉडी से बाहर ब्लड आ जाता है, ठीक है, तो ये आल फैक्टर जो है ना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है ना एक्टिवेट हो जाता है और यू हमारे पास ब्लड जो है ना वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बीच में से कैल्शियम को जो है रिमूव करते हैं तो ये चेन हमारे पास जो है ना टूट जाता है और ब्लड जो है ना क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। तो केमिकल एंटीकोगुलेंट्स हमारे पास क्या करता है कि ये कैल्शियम आयंस को जो है ना रिमूव करते हैं, उसके साथ जो है ना चिलेशन करता है और उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। कैल्शियम आयंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, जैसा कि हम पहले जो है ना बता चुके हैं, ठीक है, कि ये कैल्शियम आयंस क्या करता है, ये कोगुलेशन प्रोसेस के लिए जो है ना अहम चीज है। अच्छा, बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स, दीज आर द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस अपोजिंग द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन कोगुलेशन पाथवे। कैल्शियम है ब्लड के अंदर, ठीक है, एज अ क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स भी हैं हमारे पास, जिस तरह के फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कोगुलेशन पाथवे के अंदर जो है ना काम करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हमारे पास क्या करता है, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के पीछे लग जाते हैं और उसको जो है ना एन एक्टिव फॉर्म में रखता है, ठीक है, और यू हमारे पास ब्लड जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। All biological anticoagulants are liquid anticoagulants. जितने भी हमारे पास biological anticoagulants हैं, वो liquid form में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो chemical anticoagulants हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास बहुत जो है ना फॉर्म में मौजूद है, solid form में भी मौजूद होते हैं और आजकल जो है ना liquid form में भी आ सकते हैं, ठीक है। Best example क्या है biological anticoagulants का? heparin। इसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स भी कहते हैं। ये बॉडी के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है, और सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो ये हेपरिन हम ममेलियन के लेवर से जो है ना हासिल करते हैं, जब बाहर हम इस्तेमाल करते हैं, बॉडी से बाहर जब हम लेबोरेटरी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं हेपरिन का, ठीक है, तो ये ममेलियन लेवर से जो है ना हम लेते हैं, ठीक है, और ये एक्शन करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के अगेंस्ट जो है ना ये काम करता है, इनको इनएक्टिव रखता है, और थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है हमारे पास उसके खिलाफ जो है ना ये हेपरिन जो है ना एक्शन लेता है, ठीक है, और हमारे पास ब्लड जो है ना वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑल केमिकल सब्सटेंसेस हमारे पास क्या करता है कि वो ज्यादातर जो है ना कैल्शियम आयन को रिमूव करता है, लेकिन बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स लाइक हेपरिन हमारे पास क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन के पीछे लग जाता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म में लेके आता है, ठीक है, जिस तरह के एक्टिवेटेड फैक्टर जो है ना 10 है और थ्रोम्बिन प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा ये तो हमारे पास है लिक्विड फॉर्म में ब्लड, फ्री ब्लड जो होता है, ठीक है, और इसको इसका ज्यादातर हम इस्तेमाल जो है ना करते हैं हेमाटोलॉजी के अंदर, ठीक है। जिस तरह हम बता चुके हैं कि अगर हम CBC टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिस तरह के हीमोग्लोबिन है, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट है, प्लेटलेट्स काउंट है, टोटल वाइट सेल्स है, इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इन तमाम टेस्टों के लिए इंक्लूडिंग ESR, इन तमाम टेस्टों के लिए हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो है ना ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए हम जो है ना एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लॉटेड ब्लड जो होता है जिसके अंदर हम कोई भी एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये ब्लड भी हमारे पास जो है ना लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ना दरकार होता है, ठीक है। जब हम ब्लड को जो है ना क्लॉट करते हैं और फिर सीरम हासिल करके जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिस तरह के सीरोलॉजी के अंदर स्टडी अबाउट सीरम, ठीक है, तो उसमें हम मुख्तलिफ जो है ना एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉर्म में ब्लड क्यों चाहिए होता है, ताकि हमारे पास सेल्स जो है ना वो फ्रीली हो और हम इसकी जो है ना काउंटिंग कर सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है और मतलब कौन सा एंटीकोगुलेंट कौन से काम जो है ना पंक्चर को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास एथाइलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, EDTA एंटीकोगुलेंट, जिसका इस्तेमाल जो है ना हम ज्यादातर हेमाटोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। ट्राइड सोडियम साइट्रेट है सेकंड नंबर पर, है हमारे पास हेपरिन, जिसे हम जो है ना बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, ठीक है। ऑक्सलेट मिक्सर है, सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स इन ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक के अंदर हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना हम ब्लड को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना ब्लड को रिजर्व रखें, ठीक है, और यूं हमारे पास RBCs भी जो है ना वो जिंदा रहें, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके बारे में जो है ना एक एक डिस्कस करेंगे कि प्लानर एंटीकोगुलेंट्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है ना हम कैसे करते हैं और किस टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी।